हेलो स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग लेसन फाइव सीड्स एंड सीड्स ओके सो ये आपका होमवर्क था ओके नाउ टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स वाई सो ये जो है ये एक्टिविटीज तो आप लोगों ने करनी है ठीक है और दो और तीन दिन लगेंगे ये एक्टिविटीज करने में ओके okay. तो मैं इनके आपको आंसर बता देती हूं ओके सो द क्वेश्चन इज इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट वॉट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स तो अवर आंसर इज सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल टू ओनली बिकॉज द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वॉटर इन बाउल वन ओनली वॉटर वॉज अवेलेबल एंड इन बाउल थ्री नो वॉटर एंड नो एयर ओके our next question is why did gopal's mother tie the chana in a damp cloth? because that seeds could get both water and air. okay. our next question, when you split the whole masur, you get me masur dal, but then you cannot sprout me. can you think why? yes.

ओके सो डू बायर सेल्फ टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विध अ वाइड माउथ मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन फिल योर कैन पुट फोर फुट और फाइव सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड फेन्यूग्रीक सीसेम और कॉरियडर ओके आपको क्या करना है एक क्ले पॉ पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन जैसे गमले होते हैं वो लेना है या तो एक टिन लेना है ठीक है जो चौड़े मुंह का हो वाइड माउथ का हो उसमें आपको नीचे से एक होल कर देना है ओके और उसके बाद उसमें आपको सॉइल पुट करना है मतलब मिट्टी भरना है और उसमें चार पांच सीड जो बीज है अगर आप मस्टर्ड उगाने वाले हैं तो मस्टर्ड के सीड चार पांच डालना है फेनग्रीक मीन्स मेथी अगर उगाने वाले हैं तो मेथी के तिल उगाने वाले हैं सीसम तो तिल के या कोरिएंडर धनिया उगाने वाले हैं तो कोरिएंडर के चार पांच सीड्स फोर एंड फाइव सीड्स आप उसमें डाल के उसको प्रेस कर देंगे ठीक है उसके बाद आपको यहाँ लिखना है ये तीन चार प्रकार की चीजें आपको करना है और उसके बाद ये टेबल फिल करना है मतलब अलग अलग आप पिटलेस वो ले सकते हैं पॉट ले सकते हैं और पॉट में फाइव फाइव सीड्स जो हैं इन सब की आप डालें मस्टर्ड फेनग्रीक सीसम कोरिएंडर की और उसके बाद इस टेबल को आपको फिल करना है ठीक है नेम ऑफ सीड डेट किस डेट में आपने प्लांट किया है और उसके बाद ऑब्जर्व करके आपको यहाँ लिखना है कि इस डेट में हमने फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड के uh, जो सीड्स थे वो डाले उसके बाद प्लांट की हाइट देखना है नंबर ऑफ लीव्स कितनी लीव्स उसमें आई हैं और कोई और चेंज अगर आपको दिखा हो तो वो तो ये टेबल आपको फिल करनी ये आप अपने से करेंगे ठीक है क्योंकि ये प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल है एक प्रकार से प्रैक्टिकल करके देखना है आपको After practical, आपको इनकी answers देने हैं कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल कितने दिन लगते हैं मिट्टी से आने के लिए बाहर ठीक है तो जितनी चीजें आप लगाएंगे सबके डिफरेंट होते हैं कुछ जल्दी आ जाते हैं कुछ बाद में आ जाते हैं तो जो तीन चार प्रकार के आप सीड्स आप लगाएंगे तो उनके आपको डेज काउंट करने हैं ठीक है कि कितने दिन में कौन सा पौधा निकल रहा है द द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे पहले दिन और दूसरे दिन क्या डिफरेंस रहता है हाइट में ऑन विच डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ओके एंड डिड न्यू लीव कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे सो दिस क्वेश्चन ये बाकी सारे तो आपको प्रोजेक्ट वाला है सिस्टम वो आपको अलग से करना है फेयर कॉपी में नहीं लिखना है पर ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है कि डिड न्यू लीव कम आउट ऑफ द प्लांट एवरीडे सो आंसर इज यस न्यू लीव्स कैम आउट ऑफ द प्लांट एवरीडे ओके नेक्स्ट डिस्कस ये भी आपको ही करना है और इसका एक क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में लिखना है वॉट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वॉटर ओके सो सीधा आंसर दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप ओके अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम योर हर्ट व्हाट इज इन साइड द सीड सीड के अंदर क्या होता है सो इन साइड द सीड देयर आर कॉटिलीडंस एंड एम्ब्रे ओके Next question how does a big plant grow from a tiny seed so the answer is the seed germinates to produce a seedling the seedlings absorb water and nutrients from the ground and grows into a big plant okay हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक ड्रॉ अ पिक्चर क्या होगा कि अगर प्लांट चलेंगे तो आपको क्या करना है उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है तो ये पेयर कॉपी में आप करेंगे चलते हुए प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करेंगे ओके नाउ फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स यस सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स ओके सो बोथ क्वेश्चन यू विल डू इन योर super copii.